दर्शक नमस्कार। खवाई कन्नौज उत्तर प्रदेश से जहां हज के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई, ये जानकारी दी हज कमेटी सदस्य तौकीद जिया ने। हज 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर कन्नौज के जिया एकेडमी के डायरेक्टर व हज कमेटी ऑफ इंडिया के सदस्य तौकीर जिया ने जानकारी देते हुए बताया कि हज 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब से अनुमति मिलने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ये प्रक्रिया अभी फिलहाल अस्थायी रूप से शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी मानकों को पूरा करने के लिए आवेदनकर्ताओं को भारत सरकार द्वारा जारी COVID-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया 1 नवंबर से 31 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान हज यात्रा करने वाले लोग हज के लिए आवेदन कर सकेंगे। कन्नौज से जिला ब्यूरो चीफ शिवू सैनी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज शस के तहत। हज को लेकर आवेदन शुरू हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले मैं अपने सामईन को मुबारकबाद दूंगा कि सऊदी अरब सरकार ने इस साल का हज की मान्यता दे दी है, स्वीकृति दे दी है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हज के लिए आवेदन आप करेंगे, अभी ये अस्थाई होगा। जब तक पूरी तरह से वहाँ से एक काम नहीं मिलते हैं, जब तक ये अस्थाई रहेगा। दूसरी चीज़, जो भी योग्यता के मापदंड हैं और भी मानक हैं, स्वास्थ्य संबंधी मानक हैं, वो प्रोटोकॉल जो भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है, उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही आपको आवेदन करना है। सर क्या देखिए, पिछले 2 साल जो थे वो बहुत ही पूरे विश्व के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि पूरी दुनिया में लोग उससे मुतासिर थे, प्रभावित थे, और ये हज भी उससे मुतासिर हुआ, और हज भी नहीं 2 बार हो पाया और वो सारे आवेदन पत्र कैंसिल करने पड़े। तो इस बार ये प्रक्रिया 1 नवंबर से आवेदन पत्र भरना शुरू हो गए हैं और ये प्रक्रिया 31 जनवरी तक चलेगी। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि जो भी आपके योग्यता मानदंड हैं, स्वास्थ्य संबंधी हैं, जो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये है कि टीके की दोनों डोज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, और आपका जो पासपोर्ट है वो भी 2022 तक वैलिड होना चाहिए, जनवरी 30 जनवरी 2022 तक। इसके अलावा दोनों टीके की डोज आपको लेनी है, और 65 साल की उम्र तक के लोग इस साल हज पे जा सकते हैं, उससे ज़्यादा के लोग हज पे नहीं जा सकते हैं। तो ये एक प्रतिबंध लगाया गया है जिसमें हमारे बहुत सारे आज़मीन हज मुतासिर हो जाएंगे जो 65 साल से ऊपर हैं। सर कितने लोग इस बार? ये संख्या निर्धारित नहीं की गई है, और सऊदी गवर्नमेंट से प्राप्त निर्देशों के आधार पर ये संख्या निर्धारित की जाएगी। तो आवेदन शुरू हो गए हैं और दूसरा ये कि जो नामहरम ख्वातीन हैं हमारी, जो ग्रुप में जाती हज करने के लिए, तो वो 5-5 के ग्रुप में, जिनकी उम्र 45 साल से और 65 साल के अंदर है, वो 5-5 के ग्रुप में जा सकती है। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों के अपडेट आपको मिलती रहे।